अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर फिद ललिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं जोधपुर के प्रसिद्ध मिर्ची बड़े और बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि जोधपुर में मिलते हैं। तो आइए जोधपुर के प्रसिद्ध मिर्ची बड़े बनाना शुरू करते हैं। मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची ली है। इन हरी मिर्चों को हम बीच में से चीरा लगा देंगे और इसमें से हम इसके सारे बीज बाहर निकाल लेंगे ताकि इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाए। हमने बिल्कुल मीडियम साइज हरी मिर्च ली है। बिल्कुल पतली हरी मिर्च नहीं लेनी क्योंकि उसके अंदर हमें मसाला भरना है, और बिल्कुल ज़्यादा मोटी भी नहीं लेनी है क्योंकि वो अंदर तक पकेगी नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल ये मीडियम साइज़ की ही हरी मिर्च लेनी है। सारी हरी मिर्चों में से हम सारे बीज निकाल कर अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी मिर्चों में चीरा लगा लिया है। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं और अब हम उबले हुए आलू लेते हैं। मैंने 9 से 10 उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलुओं को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलुओं को मैश करने के बाद में आलुओं को भी हम अलग से रख लेंगे और अब हम मिर्ची बड़े का घोल तैयार कर लेते हैं। घोल तैयार करने के लिए हमें 1/2 किलो मैंने बेसन लिया है। बेसन के अंदर मैंने 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाला है और 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल पकौड़े जैसा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर आपको पतला नहीं रखना है, आपको थोड़ा गाढ़ा बैटर रखना है मिर्ची बड़े के लिए। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इस घोल को अलग साइड में रख लेते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 1/2 चम्मच तेल डालेंगे और 1/2 चम्मच तेल हमने वापस रख लिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल के अच्छी तरह से गर्म होने के बाद में 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे और हींग डालने के बाद में 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे के अच्छी तरह से तड़कने के बाद में अब हम इसके अंदर 1 कप प्याज डालेंगे। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम बिल्कुल जोधपुर में जैसा बनाया जाता है वैसा मिर्ची बड़ा बना रहे हैं तो जोधपुर की मिर्ची बड़े में तो प्याज पड़ेगा। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम इसके अंदर 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज के हल्का सुनहरा होने के बाद में अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच अभी डाला और 1 छोटा चम्मच हम बाद में डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। हम मसाले को थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद में उबले हुए आलू इसके अंदर हम डालेंगे। आलू डालने के बाद में फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसके बाद में आलूओं को अच्छी तरह से इसके अंदर मिला लेंगे।
अब हम इसके अंदर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डाल देंगे, क्योंकि जोधपुर में मिर्ची वड़ा बहुत ही तीखा मिलता है। अगर आपको मिर्च कम पसंद है तो आप कम डालिएगा। अब हम इसके अंदर लास्ट में एक नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर नींबू का सत भी डाल सकते हैं। नींबू का रस डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और जब ये अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद में फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। मसाले के हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद में अब इस मसाले को हम इन सभी हरी मिर्चों के अंदर भर देंगे। मिर्च के अंदर भरने के बाद में थोड़ा मसाला हम मिर्च के ऊपर भी लगा देंगे। इसी तरह से बाकी की मिर्चों को भी हम मसाले से भरकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी मिर्चों के अंदर मसाला भरकर तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, और तेल के अच्छी तरह से गर्म होने के बाद में अब हम इसके अंदर मिर्ची बड़ा तलेंगे। मिर्ची बड़ा तलने के लिए सबसे पहले मिर्ची को बेसन के घोल में डालेंगे और अच्छी तरह से डिप कर उसे फिर तेल में तल लेंगे। घोल में अच्छी तरह से आपको मिर्ची को लपेटना है और उसके बाद में तेल में डालना है। तेल में डालते वक्त बिल्कुल सावधानी रखें। आपको मिर्ची बड़े को आधा ही पकाना है और उसके बाद में हम इसको वापस प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसको दो बार फ्राई करेंगे। बची हुई मिर्चों को भी हम इसी तरह से बेसन के घोल में डालकर तेल के अंदर तल लेंगे। इन्हें भी आधा पकने के बाद में प्लेट में निकालकर अलग रख लेंगे। अब हम तेज आंच पर वापस से तले हुए मिर्ची बड़ों को तेल में डालेंगे और उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये अंदर तक बिल्कुल पक चुका है। इन सभी मिर्ची बड़ों को हम प्लेट में निकालेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से फिलिंग भरी हुई है इसके अंदर, और ये मिर्ची बड़े जितने दिखने में टेस्टी लग रहे हैं उतने ही खाने में भी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।